आज हम आपको अरिहंत कंपनी के ऑल इन वन वाले सपोर्टिंग मटेरियल के रिव्यू करके दिखाने जा रहे हैं। तो ये कक्षा यानी क्लास 12वीं की भूगोल यानी CBSE वाले पैटर्न वाला सपोर्टिंग मटेरियल है, जो कि CBSE एग्जाम 2024 के हिसाब से बना हुआ रैशनलाइज्ड ये सपोर्टिंग मटेरियल है, जिसे हमने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन परचेज किया हुआ है। तो इस सपोर्टिंग मटेरियल की ये खासियत है कि इसमें NCERT की जो थ्योरी है सरल भाषा में पेश की गई है, साथ ही NCERT के प्रश्न, बोर्ड परीक्षा के प्रश्न व अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है, ऐसे इस किताब में बताया गया है और साथ ही इस किताब में है भी। तो ये रेट के हिसाब से और पढ़ने के हिसाब से काफ़ी बेस्ट सपोर्टिंग मटेरियल है, तो इसी का हम रिव्यू करके दिखाते हैं। तो हमने ओपन करके दिखाया है, तो इसमें कुछ इस प्रकार से पहले विशेष सूची तालिका दी गई है कि पहले ये किस प्रकार से अध्याय है, पहले NCERT के कौन से पेज नंबर पे था। तो और साथ इसमें फिर आते हैं तो विशेष सूची दे रखी है कि कौन सा लेसन किस पेज नंबर पे है, तो इस प्रकार से दे रखा है। फिर इसके बाद इन्होंने CBSE पाठ्यक्रम 2023 और 24 के हिसाब से जो अंक तालिका बनी हुई है कि जैसे कि किस चैप्टर में से किस कितने अंक का क्वेश्चन आता है, तो वो दे रखा है इन्होंने। तो इस प्रकार से दे रखा है, जैसे कि इन्होंने पहला जो लेसन है भूगोल उसमें आएगा 3 अंक का, और जैसे कि दूसरा जो और तीसरा चैप्टर है उसमें से 8 नंबर का आएगा क्वेश्चन, और जैसे जो कि चौथे से लेकर जो आठवां है, आठवें तक जो लेसन है उन चैप्टरों में से 19 अंक का क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है। तो इस हिसाब से इन्होंने मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वाले में से 35 अंक आएगा, दूसरी वाली जो किताब है लोग और अर्थव्यवस्था उसमें से भी 35 नंबर का आएगा। तो और किस किस चैप्टर से डिवाइड करके कितने कितने क्वेश्चन का दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। और साथ ही अब हम आ गए हैं भाग का यानी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, तो इसके बारे में दिखाते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने चैप्टर 22 काफ़ी अच्छी तरीके से थ्योरी दे रखी है काफ़ी सरल भाषा में, और साथ ही कुछ अध्याय एक नज़र में तो उनको काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में दिखा रखा है कि किस प्रकार से ये चैप्टर 22 इन्होंने बना रखा है। तो इन्होंने काफ़ी सरल भाषा में थ्योरी पेश करी हुई है इस प्रकार से, तो जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से आसानी से और सरलता से आ जाए। फिर इसके बाद इन्होंने NCERT फोल्डर यानी कि जो NCERT की जो किताब में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके इन्होंने आंसर दिए हुए हैं। फिर इसके बाद इसी सपोर्टिंग मटेरियल में परीक्षा अभ्यास यानी कि जो परीक्षा में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन आंसर इन्होंने फिर उनको दिया हुआ है, जैसे कि इन्होंने दे रखा है कि ये वाला जो क्वेश्चन है 2014 के दिल्ली में आया था, और ये वाला जो क्वेश्चन है 2019 में आया हुआ है, और जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये ऑल इंडिया 2019 में आया हुआ है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करने में काफ़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं ज़्यादातर वही आते हैं, तो उनको भी काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर अभ्यास किया जा सकता है। तो इस सपोर्टिंग मटेरियल का ये काफ़ी बेस्ट फीचर है कि जो पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन आंसर उनको भी इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से पेश किया हुआ है। साथ ही फिर चैप्टर के आखिरी में सेम को जांचने के लिए इन्होंने कुछ इस प्रकार से टॉपिक्स बनाए हुए हैं जिससे कि खुद प्रैक्टिस करनी होती है, तो इससे काफ़ी अच्छी तरीके से रिविज़न हो जाता है। तो ये भी एक अच्छी सी खासियत है इस बुक की, ऐसी हर प्रकार से इन्होंने दे रखा है। जैसे कि दूसरे चैप्टर में हम आ गए तो इन्होंने यहाँ पे भी काफ़ी सरल भाषा में थ्योरी को पेश करी हुई है, साथ ही इन्होंने कहीं जहाँ जहाँ इनको तालिका बनानी है तो तालिका भी बना के दे रखी है। फिर से इन्होंने NCERT से फोल्डर में दिखा रखे हैं, और साथ ही इन्होंने क्वेश्चनों को भी इन्होंने NCQ क्वेश्चन है वो भी जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको भी इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया हुआ है, तो ये भी वो काफ़ी बढ़िया है। साथ ही इन्होंने
क्वेश्चनों को तीन चार तरीकों से भी डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि अति लघु, उत्तरीय, प्रश्नोत्तर, यानी जो सबसे छोटे होते हैं उनके भी क्वेश्चन आंसर बनाए हुए हैं। साथ ही लघु उत्तरीय जो कि मीडियम साइज के होते हैं क्वेश्चन आंसर, उनके भी क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट बनाए हुए हैं। साथ ही फिर इन्होंने दीर्घ प्रश्न उत्तर जो कि लॉन्ग फॉर्मेट वाले होते हैं उनको भी इन्होंने इसमें पेश किया हुआ है। तो इस हिसाब से काफ़ी अच्छी तरीके से सरल भाषा में बनाने के लिए और सेम की प्रैक्टिस करने के लिए भी इन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से पेश किया हुआ है। अब यदि हम बुक की बात करी जाए तो जगह जगह इन्होंने जहाँ जहाँ जो पढ़ते थे वहाँ वहाँ इन्होंने सारणी भी पेश करी हुई है ताकि अच्छे तरीके से दिमाग में आए। साथ ही इन्होंने मानचित्र और नक्शों को भी पेश किया हुआ है ताकि नक्शों और मानचित्रों का भी अभ्यास काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाए। साथ ही जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं वो भी क्वेश्चन इन्होंने दिए हुए हैं। तो जैसे कि जो बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं तो उनको इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से इस किताब में पेश किया हुआ है। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि जो बोर्ड में के पेपर में जो क्वेश्चन आंसर आते हैं ज़्यादातर वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उन्हें उनका अभ्यास करना तो काफ़ी बेस्ट रहता है क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट ही रहते हैं। साथ ही अब चलते हैं हम इसके हम आखिरी और महत्वपूर्ण फीचर पे कि इस सपोर्टिंग मटेरियल में तीन सैंपल पेपर दिए हैं लास्ट में, जिससे कि पढ़ने पे क्या होता है कि अभ्यास हो जाता है। तो इसमें बुक के अंदर ही तीन सैंपल पेपर दिए गए, जैसे कि सैंपल पेपर वन आ गया, साथ ही उन्होंने इसका सोल्व करके दे रखा है। तो सैंपल पेपर से प्रैक्टिस करने पे ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके से बन के आएगा और साथ ही इसको किसने समय में से पूरा करना है, इससे क्या होता है कि पहले से ही प्रैक्टिस हो जाती है। तो इन्होंने तीन सैंपल पेपर बना रखे हैं जो कि आखिरी में दिए हुए हैं, जैसे सैंपल पेपर टू आ गया है। साथ ही अभी हम और आगे बढ़ते हैं तो सैंपल पेपर थ्री भी हमें यहीं पर ही मिल जाएगा। तो इस प्रकार से तीन सैंपल पेपर दिए हैं जिससे काफ़ी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो किताब है अरिहंत ऑल इन वन, तो ये इसमें थ्योरी दे रखी है नंबर वन, साथ ही इन्होंने एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी इन्होंने दिए हुए हैं, साथ ही सेम से अभ्यास करा जाए वो भी इन्होंने इसमें पेश किया हुआ है, साथ ही जो बोर्ड परीक्षा में जो उपयोगी क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी उन्होंने इसमें इसका समावेश किया हुआ है। तो ये काफ़ी बेस्ट सपोर्टिंग मटेरियल है जिससे कि कम समय में अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाती है। तो सपोर्टिव मटेरियल काफ़ी बढ़िया है, इसे हमने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया हुआ था जो कि हमें ये 235 रुपये के आसपास पड़ गई थी। तो रेट जो है ऊपर नीचे होते हैं, इसे आप अपने नियरेस्ट जो है बुक स्टोर है उससे भी परचेज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भूगोल यानी कि CBSE कक्षा 12 का एक सपोर्टिंग मटेरियल है जो कि ऑल इन वन के नाम से बना हुआ है, काफ़ी बेस्ट है ये, जो कि अरिहंत कंपनी द्वारा बनाया गया है।